शहर के अर्बन हाट बाजार में 16 दिवसीय खादी बाजार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग भवन, खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी को शहरवासियों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और यहाँ आए ग्राम और कुटीर उद्योगियों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। रविवार को करीब 1,00,000 लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए थे, जहाँ लोगों को छत्तीसगढ़ का कोसा, पश्चिम बंगाल के हाथ की बनी चटाई के पर्दे, कैप विशेष रूप से पसंद आए। साथ ही खादी ग्राम उद्योग द्वारा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उन उत्पादों के स्टॉल्स भी लगे हैं जो अपना उद्योग घर और बहुत छोटे स्तर पर चला रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वे अपने उत्पादों को मार्केट कर सकते हैं। लेडीज आउटफिट जैसे कुर्ता, प्लाजो, सलवार इत्यादि आकर्षण का केंद्र बने। प्रदर्शनी के संयोजक पंकज दुबे ने बताया कि ये प्रदर्शनी 22 फरवरी से शुरू हुई और 2 दिन में ही इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आगे भी इसकी उम्मीद है। यहाँ पर देश के कई प्रांतों के खादी और ग्राम उद्योगी उत्पाद लोगों का मन मोह लेंगे। इको फ्रेंडली क्लॉथ के नाम से लोकप्रिय खादी में विभिन्न वैरायटी अनेक रेंज में उपलब्ध है। खादी ग्राम उद्योगी संस्थाएं कम पूंजी में लाखों ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, असम, कोलकाता अर्थात पूरे देश से कारीगर बुलाए गए हैं जो शहरवासियों को अपने उत्पादों से प्रभावित कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।